सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहवनितां ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांते प्रभवे श्रीमहात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथन सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने त्रिवारसभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्णा समन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यदुलप्रमाढ त्रिरूपानुग भक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग वृद्धाव सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभरायते गौरविभावमिष्टं निर्दिष्टाय स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 दवनलासम संसार दहनी दग्धजीवाकुला उधर कारणी करुणावारिद कृपावारी दानी बंदिशे गुरु शरण समाज श्रीहरि कीर्तने राहे नागना महामाता मही रोमांचकम्प
Thank you.
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत Thank you.
Thank you.
साधना
Thank you.
ज्ञान विरामदस्य ज्ञानाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्तौ श्रीराधाकान्ते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवदि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। दो तिथियां एक तो देवानंद पंडित जी का शुक्ति प्रभाव महोत्सव है और प्रभुपाद पार्षद भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी जी का तिरुभाव महोत्सव है। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्तर सतश्री श्री श्री मद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टोत्तर सतश्री श्री श्री मद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। भक्तिवेदास नारायण गोस्वामी महाराज अन्य वैष्णव वैष्णव सभी को मैं यथाजी के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे। क्या श्रवण कर रहे थे? भगवान कहते हैं अगर कोई ये संसार से पार होना चाहते हैं क्या करनी चाहिए? कहते उनको भगवान की शरण में अगर एक बार कोई शरणागत हो जाए ठाकुर जी की शरण में वो अनायास ही भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तब आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान कपिलदेव अपना माँ को द्वात्रिसौ अध्याय में क्या उपदेश करते हैं। भगवान कहते देख माता कहते जो गृह मेधि तीन व्यक्ति होते हैं, एक गृह मेधि और एक गृह व्रत और एक गृहस्थ। गृह मेधि मतलब क्या? जिसकी दिमाग में ये घर संसार छोड़ करके और कोई चीज इसके दिमाग में आती नहीं, इसको कहते गृह मेधि। मतलब सवेरे उठते ही नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, और चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, हैं मसाला है कि नहीं, हैं। और जिनके संसार में दिन भर इसके सिवाय सवेरे से लेकर शाम तक और दिमाग में कोई चीज़ आती नहीं, जिसका घर ही जिसका दिमाग में घर से और कोई चीज़ है, हैं, और अपना स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ करके जगत में और कोई चीज भगवान नाम का कोई चीज है जिसको दिमाग में और कुछ चीज आती है, वो कौन है? गृह मृत। और एक होता है गृह व्रत। गृह व्रत किसको कहते हैं? जिसने अपना संसार को ही अपना जीवन का व्रत मान लिया। क्या मान लिया? पैसा कमाना, बीवी बच्चों को पालन करना,
अपना दुकान मकान घर बनाना, पास ऐसे करके अपना जीवन को बिताना, इसको क्या कहते हैं, कहते गृह व्रत। जिसने व्रत ही कर लिया, यही इसके सिवाय जगत में और कुछ है। लेकिन एक होते हैं गृहस्थ, कहते गृहस्थ किसको कहते हैं, जिस समय श्री पंच पांडव का शादी हो गई, सबका शादी हो गई, सब बाल बच्चे हो गए, एक दिन नारद जी गए थे, तब श्री नारद जी को बैठा करके श्री युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते, बोले प्रभु अभी तो हम पांच पांच भाई है और द्रौपदी तो एक ही है, लेकिन तो श्री अर्जुन का भी अलग कुल भी है और चित्रांगदा भी अलग स्त्री है, सबका अलग अलग स्त्री है और द्रौपदी तो है ही है और उनका संसार भी है, इतना बड़ा संसार, तो कह रहे हैं हम क्या करें, अभी हम संसार में रहते हुए हमें भगवान मिले कैसे। तब यहाँ पर कहते हैं नारद जी, बोले गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचिता वासुदेव अर्पण सख्या उपासित महामुनि। कहते गृहे उपस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचिता, कहते गृहस्थ धर्म में रहते हुए ठीक धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन को, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन कर है, अधर्म पूर्वक नहीं। और वासुदेव अर्पण सख्या, जो कुछ कर भगवान के लिए, ठाकुर के लिए सब कुछ करो, करने के लिए किस चीज को मना नहीं, खूब पैसा कमा, पैसा तो अगर कुछ होगा, देखो यहाँ पर रोज भंडारा हो रहा, पैसा है तब तो हो रहा है, आज भी बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसाद बने, कढ़ी चावल पूरी सब्जी सब्जी और फ्रूट, ये फ्रूट क्रीम बनेगा, क्या बोल रहे थे, कस्टर्ड कस्टर्ड कस्टर्ड, इसलिए तो पैसा है तभी तो बन रहा है, पैसा नहीं तो इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन खूब पैसा कमाओ किंतु पैसा लक्ष्मी ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा कमाया करो, हैं, इसलिए खूब पैसा, घर को सुंदर बना, भले घर किसके है, ठाकुर जी का घर, अपना बच्चों को लाल में पाल में करो, बच्चे कौन है, बोले ठाकुर ने बच्चे दिए, लेकिन सबको क्या करो, अपना घर का परिवार को कृष्ण का संसार बना दो, बेटे भी भजन करे, बेटी भी भजन करे, बेटा भी भजन करे, पत्नी भी भजन करे, खुद भी भजन करो, जो कुछ बनता है ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, घर में कीर्तन करो, घर में कथा हो, बस इसलिए कहते क्रिया को वासुदेव अर्पण साक्षात उपासित महामुनि, सब कुछ वासुदेव के लिए भगवान के लिए करो, फिर तो यद्य भी दिखाई पड़ता है घर में, लेकिन वो घर में नहीं, वो भगवान के धाम, भगवान की धाम में वो रहते हैं, इसलिए भगवान कपिल देव कहते, बोले माँ जो गृह में भी लोग हैं वो क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम के लिए ये सारे काम करते हैं, भगवान के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, और अलग अलग देवा देवियों को पूजा करते हैं, फिर पितृ पुरुषों का आराधना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, लेकिन उसका फल क्या है, बहुत तुच्छ फल है, उसका फल बहुत तुच्छ फल है, फिर तो पतंती अधर, बड़े उच्च पद को प्राप्त करते हुए उनका पतन होता है, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाएगी, कब तक स्वर्ग में रहेगी, बोले जावत पुण्यम न समाप्ते, जब तक पुण्य समाप्त नहीं हो जाए तब तक जाएंगे, बस खत्म होते धक्का मार कर फिर संसार में तुम्हें गिरा देंगे, हैं, संसार में गिरा देंगे, इसलिए उनका फिर अधपतन होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए करते हैं, हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, कहते ये लोग निर्मल निरहंकारी निसंग भाव में, किसी में बगैर आसक्ति रहित होकर के ये सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, भक्ति जो करते हैं, कहते उनको क्या प्राप्त होता है, उनको अभय और अभय प्रति प्राप्त होता है, इसलिए जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतु तू कम तेरा पुनर्जन्म न भुगते, एक बार अगर मुझे प्राप्त करे मेरे भक्ति करके, फिर जगत में उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, जद गत्वा नानु वर्तते, जहाँ जाने से जीव कभी वापस नहीं आते, इसलिए तत् प्रसादा पराम शांति स्थान प्राप्त शाश्वतम, भगवान की कृपा से परम शांति परम आनंद की प्राप्त होता है भक्तों को, इसलिए कहते अभय अभय पद को प्राप्त करते हैं, उनका कभी अधिक अधपतन नहीं होता है। लेकिन वासुदेव भक्ति योग जीवर परम श्रेय सर्वार्थ सिद्धि,
भगवान को जो भक्ति करना यही परम श्रेय एवं सर्वसिद्धि ठाकुर जी की भक्ति। लेकिन यहाँ पर भगवान और एक विशेष बात कहते हैं, है क्या विशेष बात कहते हैं, बोले भगवान की भक्ति भगवान का प्रेम ही तो ये श्रेष्ठ पद है, लेकिन उसी से भी और भी श्रेष्ठ पद, बोले उससे श्रेष्ठ पद क्या है, कहते जो लोग हरि गति हरि जन के जा रहा प्रिय है तो प्रिय बलिया ज्ञान करे तारा अमूल्य भागवत कथा अधिकारी हर। कहते माँ कहते भगवान से भी और एक श्रेष्ठ भक्ति है, जो लोग भगवान के भक्तों को ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं, भगवान से भी भक्त सेवा को जो अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कहते उसी से भी श्रेष्ठ भक्ति जो भगवान का भक्तों को पूजा करते हैं। इसलिए जिस समय माता पार्वती शंकर जी को पूछे बोले प्रभु हम किसकी आराधना करेंगे, तो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, जितने आराधना में भगवान का विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। अभी तो पार्वती दुखी हो गई, कहते मेरे जितने पर शंकर जी की पूजा करते करते आए, शंकर जी सेवा करते करते, लेकिन शंकर जी क्या कह रहे हैं, जितने आराधना में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, तब दूसरे लाइन में शंकर जी के पार्वती दुखी मत हो, लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ आराधना है तभी आनाम समर्चनम, उनका भक्तों को जो सेवा पूजा करती पार्वती मेरे को तसल्ली आया है, क्योंकि इस बार पार्वती क्या करती शंकर जी की सेवा पूजा शंकर जी की करते हैं, लेकिन नहीं उनसे भी श्रेष्ठ पूजा उनकी भक्तों को जो सेवा करते हैं। इसलिए भगवान कहते बोले माँ कथा अधिकारी भगवत कथा में भक्ति में कौन अधिकारी है, बोले तहारा अमूल्य भागवत कथा अधिकारी कौन, जो भगवान से भी उनका भक्तों को ज्यादा मानते हैं उनकी सेवा करते हैं। इसलिए साधु संग कृपा सकल सुबह सुबह अवगत है, क्यों बोले जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे अच्छा किया और जो बुरा किया हमें कौन बताएगा, ठाकुर थोड़ी बताएंगे, ठाकुर बोलते हमसे बात करते, ठाकुर जी कौन बात करते हैं, भक्त लोग बात करते हैं, शुभ अशुभ केवल भक्त ही हमें बताएंगे, भगवान नहीं बताएंगे। इसलिए एकांत के भगवत भजन रिक्त धाम प्राप्त विषय सेवा थे माया भजन पुनः पुनः जाता है, जो भगवत सेवा करते हैं वैष्णव का अनुगत्य में उनको नित्य धाम की प्राप्त होता है, लेकिन जो विषय की सेवा करते हैं उनको पुनः पुनः संसार चक्र में वास परिभ्रमण करना पड़ता है। बोले वासुदेव भगवती भक्ति जो प्रयोजित जनयात्यासु वैराग्यम ज्ञान चतत ब्रह्म दर्शनम, कहते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजित, जो भगवान वासुदेव में अपना भक्ति योग को करते हैं जनयाति सुवैराग्य जल्द से जल्दी संसार से वैराग्य संसार के प्रति वैराग्य आता है, उसको बाद में उसको ब्रह्म विद्या और उसको ब्रह्म दर्शनम, एक दिन उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए जब उन्होंने माता देहूती हैं जब श्री भगवान कपिल देव का मुंह से ये सब अभी तक जो हमने कथा सुनी, जब उन्होंने ये ज्ञान को सुने सुन करके इनका जितने मोह था सारे मोह इनके दूर हो गए, सारे मोह दूर हो गए, मोह दूर हो करके फिर उन्होंने उनका जो मन है भगवान की भक्ति में माँ की मन लग गई। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कह रहे हैं भगवत जो नाम है, भगवत नाम कितना महिमा, अभी ठाकुर जी स्वयं अपना नाम की महिमा खुद बता रहे हैं, अभी तो हमें बता रहे हैं ना, इसलिए कभी कभी तो कहते हैं राम ना सकई नाम गुण गाए, भगवान का नाम की इतने महिमा, ठाकुर भी अपना नाम की महिमा की नहीं जानते हैं, इतने भगवान के नाम है उनकी महिमा। इसलिए भगवान कपिल देव कह रहे हैं, बोले क्या कह रहे हैं, बोले जन नाम धेय श्रवणात कीर्तनात् जत प्रहनात जत स्मरणादपि क्वचित सस्वदपि सद्य सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवत अनुदर्शनात्। भगवान के नाम की महिमा कह रहे हैं, अगर कोई कुत्ता भोजी हो, जो लोग कुत्ते कौन खाते, चंडाल लोग, कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते, चंडाल लोग खाते हैं, कहते अगर कोई कुत्ता खाने वाले व्यक्ति भी अगर कोई भगवान का ना भगवान का जो नाम श्रवण कीर्तन और नमस्कार स्मरण करता है,
क्या करता है, भगवान का नाम को जो श्रवणार्थ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवत नाम को नमस्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्या होता है बोले तत्क्षणात् सोमजाजी एक यज्ञ है, है? सोमजाजी ये यज्ञ को सभी नहीं कर सकते हैं, जो उच्च कुल के ब्राह्मण होते हैं वे लोग वो यज्ञ कर सकते, सभी नहीं कर सकते हैं। कहते अगर प्रभु का नाम को अगर कोई श्रवण कीर्तन स्मरण कर लिया तो उसी समय में ही सोमजाजी यज्ञ के वो अधिकारी बन जाते हैं। सोमजाजी एक यज्ञ है, सोमजाजी यज्ञ के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर कह रहे हैं अगर कुत्ते भोजी क्यों नहीं हो, नीच कुल के व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर नाम का श्रवण मात्र से ही कीर्तन नमस्कार स्मरण करते अगर बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति है कुत्ता पुनस्ते भगवत अनुदर्शनात्, अगर कोई भगवान का दर्शन कर ले तो, अगर कोई ठाकुर जी को दर्शन कर ले तो, यहाँ पर कह रहे हैं बोले भैया उनकी महिमा, जब उनका नाम की इतने महिमा फिर दर्शन की क्या महिमा नहीं है, उनका दर्शन का तो विशेष विशेष महिमा है, है? इसलिए जिनके दर्शन से सब लोग कृतकृत हो जाते हैं। तब यहाँ पर कह रहे हैं एक जो वैष्णव है जो भगवान विष्णु को वा कृष्ण को भक्ति कहते हैं, कितने महिमा ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, बोले ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य सत्रजाजी विशेषते। देखो यहाँ पर सत्रजाजी हैं, कहते सत्रजाजी, कहते ब्राह्मणानाम सहस्रेभ्य, बोले हजार हजार ब्राह्मणों में, हजार हजार ब्राह्मण में कहते एक सत्रजाजी एक ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सत्रजाजी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। कहते सत्रजाजी सहस्रेभ्य, ऐसे हजार हजार सत्रजाजी ब्राह्मणों के अंदर में बोले सर्व वेदांत पारग, एक व्यक्ति जो सर्व वेदांत को जो जानने वाले हैं ये एक उससे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ होते हैं। बोले सर्व वेदांत बीत कोट्या, ऐसे ऐसे जो सर्व वेदांत को जानने वाले ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण के अंदर में बोले विष्णु भक्ति विशेषते, जो भगवान विष्णु को भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ। लेकिन ऐसे जो भगवान विष्णु को भजन करते हैं, हैं? उनसे जो एकांत के रूप में भगवान कृष्ण को जो भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन एक जो कृष्ण भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, लेकिन उसमें जो राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण भक्ति करते हैं बोले उनका महिमा और भी श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे राधा कृष्ण भक्ति करने वालों में अगर कोई महाप्रभु का लाइन में आकर के हैं महाप्रभु की धारा में आकर के महाप्रभु के अनुगत्य में अगर कोई जुगल सरकार की उपासना करते हैं कहते उसका महिमा तो कहते ताहर महिमा वेदे नाही सीमा त्रिभुवन नाही हार है, इसलिए उसका तो महिमा त्रिभुवन में कुछ हो ही नहीं सकता है, है? इसलिए वेद भी इसकी महिमा को गा ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम लोग इसलिए महाप्रभु को धारा में आए। इसलिए श्री भक्ति गुण ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति महाप्रभु को धारा में आकर के भक्ति करेगा जब उनकी सिद्धि प्राप्ति होगी एक साथ में दो प्रकोष्ठ में दो धाम में वो जाएगा। कहाँ दो धाम? कहते एक साथ में नवद्वीप धाम भी जाएगा और एक साथ में जाएगा राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में भी जाएगा, हैं? जैसे श्री रूप गोस्वामी ये महाप्रभु लीला में ये रूप गोस्वामी, लेकिन कृष्ण लीला में रूप मंजर, सनातन गोस्वामी महाप्रभु लीला में सनातन गोस्वामी, लेकिन राधा कृष्ण लीला में ये लवंग मंजरी, एक साथ में दोनों धाम को प्रकटित होता है। इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं हैं वैष्णव का महत्व को यहाँ पर बता रहे हैं। कहते नामे अभक्त चतुर्वेदी मत भक्त स्वप चतुर्य, अगर कोई चतुर्वेदी चार वेद को जो जानने वाला है, नामे अभक्त चतुर्वेदी, अगर वो अभक्त होता है तो मेरे प्रिय नहीं, लेकिन मत भक्त स्वप चतुर्य, अगर कोई चंडाल क्यों नहीं हो अगर मेरा भक्ति करता है मेरा भजन करता है तो सर्वश्रेष्ठ है। तस्मै देयः ततो ग्राह्यं यथामि अहम्, वो जो कुछ प्रदान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूँ और मेरे जैसे उसको पूजा मिलता है, हैं? मेरे जैसे उसको पूजा प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बोले नीच जाति, ये चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं
नीचे जाती नहीं कृष्ण भजन अयोग्य सत कुल विप्र नहीं भजने योग्य जय भजे सही बड़ा अभक्त ही निचार कृष्ण भजन नहीं जाती कुलादि विचार। यहाँ पर कह रहे हैं नीचे जाती नहीं कृष्ण भजन अयोग्य। अगर कोई बोले ये नीचे जाती है कि भजन की योग्य नहीं, बोले नहीं सतकुल विप्र नहीं भजन योग्य। कोई अगर बोले ये सतकुल में जन्म लिया यही भजन कर सकता, बोले नहीं। बोले कौन? बोले जय भजे सही बड़ा, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। अभक्त हीन छार, अगर अभक्त अगर हो वो हीन और निकृष्ट है, लेकिन जो भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दूर जो धन्य की में बत्यागे, साग भी दूर गए भाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए श्रेष्ठ क्या है? प्रेम है। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ठाकुर जी अपना भक्त की महिमा ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। बोले दिन अधिक दया करने भगवान, कुलीन पंडित ज्ञानी बड़ा अभिमान। भगवान की दया किसको पर होता है? बोले दिन अधिक दया करें भगवान, जो दीन ही व्यक्ति उसको पर में ठाकुर जी की जल्दी कृपा होता है। लेकिन कुलीन पंडित मानी इनका बड़ा अभिमान, वो अभिमान में रहते हैं, इनको पर भी सहज में कृपा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया श्लोक बताए हैं भगवान का, जो नाम ग्रहण करते उसका कितना महिमा। कौन सा श्लोक है? हाँ पंडित लगते हैं। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक को याद कर लेना। बोले अहो बत सपोच अतो गरिया, जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्त पस्त जुहु सस्नु राज्या, ब्रह्माचुर नाम गृणते जेते। ठाकुर जी स्वयं अपना नाम की महिमा बता रहे हैं। मेरे जो नाम करते हैं वो कितने श्रेष्ठ व्यक्ति है, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे जो नाम करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले तप ते पु है, यहाँ पर कह रहे जुहु। बोले जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, कहते जिहाग्र पहला शब्द अहो, क्या शब्द है अहो? अहो क्यों शब्द प्रयोग कर रहे हैं? वो ज्यादा भाग्यवान है, आश्चर्य आश्चर्य। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं ठाकुर जी कहते हैं वो कितने श्रेष्ठ व्यक्ति जो कि मेरे नाम को जो ग्रहण करे। इसलिए जैसे कोई आश्चर्य है, क्या आश्चर्य कहते ना, क्या आश्चर्य है। कर जो व्यक्ति मेरा नाम लेते हैं कितने सौभाग्यवान व्यक्ति। इसलिए अहो बत सपोचो, कहते वो चंडाल कुत्ता भोजी चंडाल क्यों नहीं हो। अगर वो व्यक्ति गरियान, गरियान मतलब इतना श्रेष्ठ, वो व्यक्ति कितना श्रेष्ठ। बोले जत जिहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, तुभ्यम तो तुम्हारा जिहाग्रे, जिहाग्र मतलब संपूर्ण जिहा में नहीं, केवल जिहा की अग्र, जिहा की अग्र भाग में जो तुम्हारे नाम को ग्रहण करते हैं वो कितने बड़े सौभाग्यवान। बोले कितने बड़े सौभाग्यवान है। तो कहते क्या समझो, कहते जुहुगु, जुहुगु मतलब जितने तरह का यज्ञ है, पहले जीवन में सारे यज्ञ कर चुके हैं। ससनु जितने पृथ्वी में तीर्थ है, सारे तीर्थ में नहा चुके, कितना तीर्थ है? छह अरब है। छह अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ में वो स्नान कर चुके हैं। बोले आर्या, बोले सदाचार, पूर्व जन्म में उसका सारे सदाचार हो चुका है, हैं? इसलिए कहते ब्रह्मा संगम वेदम, बोले जितने सारे वेद को अध्ययन कर चुके हैं। अनुचुह अधितवंतम मतलब तप तेपु, जितने तपस्या कर चुके हैं। कृतवंत मतलब होता है अनुचु, मतलब होता है अधितवंत, मतलब पहले जीवन में उसने इस सारे काम को कर चुके हैं, तब भी इसी जीवन में जिसकी जुहा के अग्र में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पर यहाँ कह रहे हैं
भाई जिसको केवल जीवा की अग्रदेश में जिसका प्रभु का नाम उच्चारण हो इतना महिमा, लेकिन जिसका पूरा जीवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कहते जिसका पूरा जीवा प्रभु का नाम लेता है बोले भाग उसका तो महिमा बहुत है। कहते जिसका पूरा जीवा नाम लेता है इतना महिमा, लेकिन जो व्यक्ति दोनों हाथों से ठाकुर का सेवा करते हैं बोले और महिमा है। बोले दोनों कान में जो कृष्ण कथा सुनते हैं बोले और महिमा है। बोले दोनों आंखों से जो ठाकुर का दर्शन करते बोले उसका बहुत महिमा, लेकिन दोनों प्यार से चरण से जो घर से पैदल में आकर के मंदिर में बैठ कर एक ठाकुर का आदि दर्शन कर कथा सुनते हैं बोले उसका महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर उसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले तेपु सकल तपस्या संपन्न विजय कर, इसलिए कहते तेपु जुहू बु ससनु और अनुज, ये चार शब्द यहाँ पर प्रयोग किया। चार शब्द है, कितना शब्द है? चार। क्या क्या? देहु है, तेपुहु, जुहुबुहु, सस्नुहु और अनुज। ये जो चार शब्द प्रयोग किया है, कि जो चार शब्द है ना, ये सबके सब परोक्षवाची, परोक्षवाची मतलब संस्कृत में एक लीट लकार होता है, एक लीट लकार होता है, लीट लकार मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल मतलब होता है कि जितने सब तेपु सुशुभ ऑलरेडी पहले जीवन में कर चुके हैं, हैं? ऑलरेडी सारे कुसारे कर सकते कर चुके हैं। अंत जब व्यक्ति भगवान नाम एकमात्र उच्चारण कर ले तत्कणात ही बंधन तक मुक्त है। जन नाम सकृत श्रवणात् हैं, जन नाम सकृत श्रवणात्, जिसका नाम के व्यवहार श्रवण करने से हैं। यहाँ पर तो बताया जीवा में उच्चारण होने पर ये, लेकिन जन नाम सकृत श्रवणात् जिसका जन नाम सकृत श्रवणा, जिसका नाम केवल एक बार अगर कोई श्रवण कर लेता है जिसका नाम, तो उससे ही जीव का कल्याण हो जाता है सुनने मात्र से। लेकिन जो लोग जीवा में प्रभु का नाम लेते हैं तो उसका तो महिमा बहुत ही महिमा है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, जिस समय श्री कोनाय उनके पास में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आए, आकर के दांत पर त्रिका दबाते हुए महाप्रभु का चरण में गिरते हुए प्रभु नीच जाति नीच कर्म, हम नीच जाति में जन्म हुए, हमने गंदा कर्म किए हैं, मुसलमान का अधीन में रह करके हमने सारे उनका अनुगत्य में हमने सारे गंदा काम किए, प्रभु हमसे कुछ नीच नहीं हो सकते हैं। लेकिन महाप्रभु क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, बोले क्षण क्षण कर तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान। उस समय क्या हो रहा था? जिनको जीवा में हर समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे प्रभु का नाम जप कर रहे थे। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं क्षण क्षण में तुम्हें सारे तीर्थ में नहा रहे हो, क्षण क्षण करो तुम्हें सर्व वेद अध्ययन, कहते हर क्षण क्षण में सारे वेद को तुम लोग पाठ कर रहे हो, हैं द्विज नाश है तो तुम्हें परम पावन, बोले द्विज एवं संन्यास तुम्हें सर्वश्रेष्ठ। अगर कोई सन्यासी हो लेकिन सन्यासी तो बेस है, लेकिन जब भी हरि नहीं भजे, अगर हरि का भजन नहीं करते रहो नर्क मजे, नर्क भोगना पड़ेगा। सन्यासी थोड़ी रूप धारण करने से हो जाएगा, ब्राह्मण घर में थोड़ी जन्म लेना पड़ा होगा जब तक भजन नहीं करते हो। इसलिए कहते परम पावन, इसलिए बोले दोहार मुखे कृष्ण नाम करते नर्तन एई दुई अधम नाय है सर्वतम। महाप्रभु कह रहे तुम दोनों सर्वतम अधम नहीं, क्योंकि तुम्हारी जीवा में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हरि भक्ति सुधदय में एक श्लोक, क्या श्लोक है? ब्रह्मोपद सूचि मद भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कलमसम, कहते मेरे जो भक्ति है शुद्धि है सूचि मत भक्ति दीप्ताग्नि, मेरी जो भक्ति एक अग्नि की बराबर, जैसे आग को अंदर में कोई चीज को डाल दो ना वो क्या करता है जला करके उसको राख कर देता है,
कहते मेरी जो प्रेम है, मेरी जो भक्ति है क्या है, कहते ये अग्नि के बराबर है। भले तुम जितने निकृष्ट कुल में क्यों जन्म नहीं हो, हनुमान तो बंदर ही ना, सबर तो सबर ही है, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं क्या करती हैं, जितने दुर्जाति को सब के सब नष्ट कर देता है। दत्त जो जाति कलमसह, इसलिए भगवत हिनस्य जाति शास्त्र अप्राण शैव देश मंडनम लोक रंजन। देखो क्या उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति मर गया, ये मरने का बाद कोई एक स्त्री उसको पूरा शरीर को हीरे जवाहरात सोने से उनके शरीर को सिंगार दो, उसका कोई महत्व है? अर्थ व्यक्ति मर ही गया तो मरे हुए व्यक्ति को सजा कर क्या होगा? क्या उसी तरह भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसको अंदर में भगवत भक्ति हीन व्यक्ति, लेकिन उसका जो जाति शास्त्र जप तप सबके सब बेकार है, सबके सब बेकार है उसकी। जैसे प्राण ही नहीं शरीर में, जैसे अलंकार से उस शरीर को सजा पर बेकार है, इसकी सब जितने गुण बेकार हैं, लेकिन कोई गुण नहीं तुम्हारे अंदर में, कोई गुण नहीं, लेकिन ठाकुर को प्रेम करते, ठाकुर जी की भक्ति करते, भजन करते हो, तुम्हारे अंदर में सारे गुण हैं, सारे गुण अपने आप आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान कपिल देव कहते कहते माँ कि जो भक्ति मार्ग है ना, ये सुखद मार्ग है। कहते भक्ति भी है ऋजु मार्ग भी, भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। भक्ति मार्ग में कोई कपट छल कुछ नहीं, बस सरल हृदय से ठाकुर की सेवा भक्ति भजन करो, बस ठाकुर जी से ही ठाकुर जी संतुष्ट हो जाएंगे हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति की इतने सरल मार्ग को नहीं समझ करके जो व्यक्ति इधर उधर करते हैं, कहते महादुख कष्ट में उनको गिरना पड़ता है। इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए, ज्ञान की बात बता करके भगवान कपिलदेव क्या करते हैं, कहते सारे माया ममता को छोड़ करके उन्होंने कपिलदेव चले गए। बोले कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए भगवान कपिलदेव? गंगा सागर में। इसलिए गंगा सागर गए हो, अभी हम भी नहीं गया, हम चले गए। इसलिए गंगा सागर में चले गए और वहीं पर मकर संक्रांति का दिन एक बार उनका दर्शन होता है। इसलिए एक बार वहाँ ठाकुर जी को मकर संक्रांति का दिन ठाकुर का दर्शन होता है। लेकिन भगवान और एक बात बोले, बोले माँ मैंने तेरे को ये जो ज्ञान की बात बताई, बोले ना अभक्त आए कर जाता, ये ज्ञान किसी अभक्त को नहीं देना। अगर कुछ तभी ये ज्ञान बता ना, जिसको देखो कि मेरे अंदर में जिनकी प्रेम भक्ति है, मेरे को प्यार करते हैं, उनको ही ये कथा को ये ज्ञान उनको देना, अभक्त को कभी नहीं देना है हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति देवती कठोर, फिर माता देवती ज्ञान को प्राप्त करते हुए कठोर तपस्या करके फिर उनको भी भगवत प्राप्ति, उनको भी भगवत प्राप्ति हो गई। बोले भगवान श्री कपिल देव की, बोले माता देहोती की, बोले श्री कर्दम ऋषि की, निताई गौर ब्रह्मानंद देव। हरे कृष्ण। हाँ इसको बंद कर दो, कल है ना तुम लोग कोशिश करना पूरा।